अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वेट लॉस जर्नी। आज है डे थर्ड और डे थर्ड का स्टार्ट कर रही हूँ मैं जैसे रोज़ाना करती हूँ। दो दिन तो मेरे बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गए हैं। आज डे थर्ड है और सबसे पहले हम अपना ल्यूकवॉर्म वाटर लेंगे। ये हमारा कंपल्सरी है, हमें सुबह पीना ही पीना है। अगर आपको मतलब कुछ स्टार्टिंग में ना मुझे भी गर्म पानी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उसको थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ लेती रही तो मुझे अच्छा लगने लगा। आज मैं इसमें लेमन और हनी दोनों मिक्स करके लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ना ल्यूकवॉर्म वाटर से ना वॉमिटिंग आती है, मन ख़राब होने लगता है, इसलिए उसका ना फ्लेवर थोड़ा सा उसको फ्लेवरफुल बना लें, लेमन डाल लें, हनी डाल लें तो अच्छा लगता है ना उसको पीने में। तो ऐसा मतलब बिल्कुल प्लेन पियेंगे तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब तो मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ, अब मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये सब मैं आप लोगों के लिए, जो लोग कर रहे हैं, आई डोंट नो कि कितने लोग कर रहे हैं कितने नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये थोड़े से ट्विस्ट ला रही हूँ, थोड़े से चेंजेस ला रही हूँ। और वैसे भी हनी एंड लेमन गर्म पानी में पीने से भी ये एज अ फैट कटर मतलब काम करता है, इसका वर्क फैट कटर एज अ फैट कटर ये काम करता है, ये कहने का मतलब है। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सूजी का चिल्ला। सूजी में मैंने दही डाला है, इसको हम अगर हम इसमें चीज़ें ऐड नहीं करते ना मतलब सब्जियां वगैरह, तो इसको अगर हम प्लेन इसी तरह से नमक डाल के इनो डाल के बनाए ना तो ये एक डोसा बन जाता है, रवा डोसा। लेकिन मैं इसको डोसा बिल्कुल प्लेन नहीं रखना चाहती, मैं इसमें सब्जियां ऐड करना चाहती हूँ। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है दही में, इसको हम ना कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और उसके बाद मैंने इसको देखा है तो ये सूजी जो है वो फूल चुकी है, और इसको मैंने दोबारा से इसके अंदर पानी डाला है और इसको थोड़ा सा पतला बैटर बना लिया है। इस तरह से हमने इसका बैटर बनाना है, थोड़ी देर के लिए फिर से हम सेट करने के लिए रख देंगे, देखते हैं कि सूजी कितना पानी और पिएगी। तो ये देखें हल्का सा गाढ़ा हो चुका है, और इसमें हम अपनी ऐड करेंगे सब्जियां जो भी हमारे पास अवेलेबल है हमने वही ऐड करी है। मैंने इसमें डाला है धनिया, हरी मिर्च डाल दूंगी और गाजर डाल दूंगी, मतलब डालेंगे, मैं डाल रही हूँ प्याज, जो भी आपके पास सब्जी अवेलेबल है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए मिक्स कर लिया है मैंने इसको। अगर मेरे पास इडली मेकर होता तो मैं इसकी इडली भी बना सकती थी, बहुत आसान तरीके से ना इसकी इडली भी बन जाती है। इस वाले बैटर से हम तीन चीज़ें बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, स्टफ्ड इडली, मसाला इडली जिसे कहते हैं ना, वो आराम से बन जाती है। तो इसमें मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। दोबारा से इसको मैंने रेस्ट पर रख दिया, और रखेंगे अपना तवा, और तवे पे हल्का सा घी लगाना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना है, हल्का सा इसको बस ग्रीस करना है कि बिल्कुल चिपक ना जाए इसके साथ। वैसे तो ये नॉन स्टिक पैन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बैटर होते हैं ना जिनकी कंसिस्टेंसी हमें पता नहीं होती और वो चिपक जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें हल्का सा घी डाला। और यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी मैंने घी डाला था ना वो सारा का सारा किनारों पे आ गया है। तो इसको हम पलटेंगे, तो ये देखें इसको हमने पलटना है बिल्कुल ध्यान से। अगर आप इसका सूजी और दही का चिल्ला बना रहे हो ना, अगर वो टूटने लगता है तो उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें, बेसन उसको बाइंडिंग का काम करेगा और उसको जोड़ के रखेगा। आपको बेसन उसमें ऐड कर लेना है अगर आपका चिल्ला टूटने लगता है। ये देखिए मेरे वन बाय वन अच्छे से बनते रहे हैं, थोड़ा सा सब्र से काम लें, बहुत अच्छे से बनेगा। और ये इतना डिलीशियस ब्रेकफास्ट था ना, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने तीन चार चिल्ला मतलब खा लिए, और मेरे को लास्ट में छोटे छोटे चिल्ला, दो छोटे छोटे चिल्ला जो थे वो मुझे मिले हैं, ये देखें। और इसके साथ मैं ये मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी और दही के साथ, इतना मज़े का था कि अगर आप खाएंगे ना तो आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत डिलीशियस ब्रेकफास्ट है ये, तो आप ज़रूर ट्राई करें। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ अपने घर में, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं वेट लॉस में ही बनाती हूँ, इस तरह भी घर पे मेरा ये बनता ही है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में वैरायटीज़ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, वो तो रेगुलर लंच लेकर जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें वो लेकर नहीं जा सकते क्योंकि सौगी सा हो जाता है अगर मैं ये पैक करके दूँ ना। तो खैर उसके बाद हमारा मिड मॉर्निंग मील का टाइम आ गया है। बीच में जो काम हुआ मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मिड मॉर्निंग मील होता है 11 बजे, तो 11 बजे मैंने ली है ग्रीन टी और साथ में मैंने लिए है सोक्ड आलमंड्स और जो हमारे
वॉलनट्स हैं वो भी सोक्ड है, 5 बादाम लिए हैं सोक्ड और 2 हैं, मतलब हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वॉलनट है ये, पूरा भी नहीं, पूरा एक वॉलनट भी नहीं है। तो ये मैंने ले लिया था मिड मॉर्निंग मील में। उसके बाद 1:30 बज चुका है और लंच का टाइम है, तो लंच में मैंने लिया है ये एग और पालक का रैप बनाऊँगी। आप देखें बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। पालक मैंने छोटी छोटी काट ली थी और ये एक अंडा है, उसके अंदर मैंने पालक को बीट कर लिया था। और उसके बाद ये देखें रोटी मैंने सुबह ही बना ली थी अपने लिए, तो उसमें मैंने रोटी डाल दी है, रोटी को ऊपर चिपका दिया है, अंडा भी ऊपर से पका नहीं था, चिपका दिया और इसको फ्लिप किया तो थोड़ा सा टूट गया। खैर हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी। और मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा पका दिया था, पालक ने ना पानी छोड़ना शुरू कर दिया था, इतना ज़्यादा नहीं पकाना था, बस इसको थोड़ा सा सेकना था और फोल्ड करना था। मैंने इसको फ्लेम पे रहने दिया और इसने पालक ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया था। तो ये देखें यहाँ पे ये रैप तैयार हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर सब्जियाँ ऐड कर सकती हैं, प्याज टमाटर खीरा कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो अपनी मर्ज़ी के मसाले भी ऐड कर सकते हैं हल्के फुल्के से ना, लेकिन घी आप बिल्कुल कम लेंगे, बिल्कुल कम। तो यहाँ पे ये हमारा रैप बनके हो गया है तैयार। तो ये इतना टेस्टी रैप होता है ना, मैं बहुत बार इसको बनाती हूँ। बस जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये हम नॉर्मल लाइफ में भी हम खाते थे, अभी बस बीच में हो जाता है कभी कभी अनहेल्दी। तो ये देखें रैप हमारा तैयार है, बहुत टेस्टी सा। तो इस चलिए इसको टेस्ट करते हैं, मेरे से वेट नहीं हो रहा इसको टेस्ट करने के लिए। ये देखें ड्रॉप जो गिरे हैं ना आपने देखे हैं, ये पालक का पानी जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो ये हमारा टेस्टी सा लंच तैयार हो गया है। उसके बाद 4 बजे का टाइम था, 4 बजे मैंने लिया है हाफ ऑरेंज, बस आपने भी हाफ ही लेना है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज और सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट डिनर में क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो बस मैं डिनर का ही सोच रही थी, तो इतनी देर में मैं अपना जो भी डेली रूटीन का काम होता है मेरा 3 से 5:30 बजे तक वो भी करना है मुझे। तो बस मिलते हैं आपसे डिनर में। तो देखिए जी डिनर हमारा, स्वादिष्ट सा डिनर हमारा तैयार हो गया है। ये हमारे वाइट वाले चने, उनको हल्का सा मैंने रोस्ट किया है प्याज टमाटर के साथ और थोड़ा सा मसाला डाला है, नींबू डाला है। इतना मज़े का डिनर था ना, आप जो रेगुलर डिनर करते हैं ना उसको भूल जाएंगे, आप यही खाएंगे। तो आ जाते हैं अपने स्टेप्स की तरफ, 9:30 का टाइम है और आपने डेट भी देख ली है 24। तो आज हम चेक करेंगे अपने स्टेप्स। आज मेरे स्टेप्स हुए हैं 4199, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं असद थोड़ा परेशान कर रहा था, तो जो मेरे स्टेप्स रहते हैं वो नेक्स्ट डे के वॉक में मैं ऐड कर लूँगी। बाकी ऑलमोस्ट मेरे स्टेप्स कंप्लीटेड ही हैं। तो मिलते हैं आपसे day 4 में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।